हाय हेलो वेलकम सलाम हसन क्रिटिक्स से बंदे का नाम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे है सब? तो आज की वीडियो थोड़ी चेंज होने वाली है, वो इसीलिए क्योंकि भाई जब रात यहाँ पे आया है जलजिला 5.5 शिद्दत का जलजिला था। मैं लेटा पड़ा था अपने बिस्तर पे, एक दो दफ़ा आया, पहले दफ़ा हल्का आया है और मैंने देखा है कि आया तो फिर उठ के मैं बाहर जाने लगा। मैंने सब घर वालों को बताया, अब वो मिस हो रहे थे उनको बताया है। और जैसे ही हम उठ के बाहर जाने लगे तो एकदम जो दूसरा झटका लगा है ना, वो काफ़ी ज़ोर का झटका था, लेकिन फिर स्टेबल हो गया था। हम बाहर निकल गए थे, सारे गली वाले बाहर थे, पूरी गली के अंदर मतलब सब बाहर आ गए थे। 5.5 का जो जलजिला होता है वो कोई कम नहीं होता, सब पे अल्लाह ताला रहम करे। वाद के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है, हमारे भाई बहन वहाँ पे रहते हैं, घर वगैरह गिर गए हैं काफ़ी। मैं न्यूज़ वगैरह देख रहा था, उनके साथ तो पहले ही बहुत काफ़ी इशू है, पहले फ्लड वाला इशू आ गया था और अब अब जलजिला, अल्लाह ताला रहम करे सब पे। खैर काफ़ी अर्से के बाद इतना बड़ा जलजिला आया है। आखिरी दफ़ा 2005 में बड़ा आया था, उसके बाद आया था 2013 या 2014 में आया था, मेरा ख्याल है गलबन यही था। और मुझे जहाँ तक याद है कि 2013-14 में जो आया था 7.7 या 7.6 का था, काफ़ी शिद्दत का था। मुझे आज भी याद है, मैं स्कूल के अंदर था और जो जलजिला आया था स्कूल में होते हुए आया था। इससे मैं स्कूल में था, 12-1 बजे का टाइम था कि मैं स्कूल में था, और फिर उस दिन फिर मैं अकेडमी भी नहीं गया था, दफातर भी बंद हो गए थे, स्कूल कॉलेजों का वैसे टाइम खत्म हो गया था, आधा घंटा अपनी छुट्टी दे दी थी उन्होंने। और हम तो फिर डर के मारे गाड़ी भी नहीं चलाई थी, क्योंकि गाड़ी चलते हुए जलजिला आया तो फिर आपको पता है कि वो कितना खराब सिनेरियो होता है सारा, इसलिए फिर वो भी हमने नहीं चलाई थी। तो काफ़ी देर वहीं पर बैठे रहे, बिल्डिंग काफ़ी बड़ी थी तो हम बाहर निकल के बैठे रहे थे ना। आखिरी दफ़ा 2005 में आया था और तब भी मज़े की बात, मैं स्कूल में था, मैं छोटा सा था, और मुझे आज भी याद है कि जलजिला आया था, काफ़ी शिद्दत का जलजिला आया था। हम पुराने अपने घर रहते थे पुराने एरिया में, तो वहाँ से फिर स्कूल से भागता हुआ घर गया था, नर्सरी प्रेप में होता था मेरा ख्याल है, काफ़ी शिद्दत का था, मुझे आज भी याद है। उस टाइम पर तो मैं छोटा सा था तो मुझे खास वो इतना ही पता था कि जलजिला आया। फिर जब थोड़ा सा एज मतलब बड़ी चीज़ों के बारे में पता चलना शुरू हुआ तो फिर मुझे पता चला कि यार इतना शिद्दत का था या क्या हिसाब था क्या। बाकी यार अल्लाह ताला सब पे रहम करे, सब पे अपना करम करे। कल रमज़ान है मेरा, तो आज प्रोग्राम से कोई और वीडियो अपलोड करने का मैंने ऑलरेडी एडिट करके रखी हुई थी, मैंने 3-4 वीडियोस ऑलरेडी एडवांस में एडिट करके रखी हुई होती हैं, आज वो अपलोड करने वाला था लेकिन रात को जलजिला आ गया तो फिर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। छोटा मोटा जलजिला नहीं था यार, 5.5 बहुत है। सवाल में जैसे कि मैंने आपको बताया नुकसान हुआ है, बाकी यार मेरा सब पे करम करे, मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैं और वीडियो बनाने वाला था, मेरी ये वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, मैं कोई और ऑलरेडी एडिटेड पड़ी हुई थी और मैं उसको भी अपलोड करने लगा था, फिर ये मुझे बनानी पड़ी है। ये नॉर्मल उससे थोड़ी छोटी है लेकिन ठीक है, हम सारे अपनी जगह गुना को गुनाह भी करते हैं तो फिर उसकी वजह से भी होता है। अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह ताला हम पे करम करे। बाकी यार मैं तो अभी तक कुछ खाया पिया भी नहीं था, अभी मैं काम करने लगा था तो मैं काम भी छोड़ के मैंने कहा पहले आप लोगों से बात कर ली जाए, वीडियो ज़रूरी थी यार बनानी, तो इसलिए फिर ये वीडियो बना रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम करे। वीडियो और बनाए थे जैसे मैंने आपको बताया, बाकी ऑलरेडी वीडियोस बनी पड़ी हैं, रमज़ान में जो मैं बनाऊंगा वो तो काफ़ी टाइम के बाद अब आएंगी, क्योंकि पहले ऑलरेडी एक एडिटेड पड़ी हुई है, एक ऑलरेडी रिकॉर्ड भी की हुई है और एक अभी ये अपलोड कर रहा हूँ, वो थोड़े टाइम के बाद आएंगी, लेकिन हम कंटेंट आपके लिए बना रहे हैं और आप लोग अपना ध्यान रखें। तो आज मैं अपने जो भाई बहन हमारे रहते हैं उनके लिए दिल से दुआएं, अल्लाह उन पर रहम करे। बाकी आप सब अपना ध्यान रखें, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।